हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार। वर्ष 2005 के स्थायी समिति चुनाव के हुए झगड़े को लेकर कोर्ट ने महापौर समेत 20 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। सभी पर आरोप है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद भी कोई न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। इनमें जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 में स्थायी समिति के चुनाव के दौरान निर्माण हुए झगड़े के मामले में अनेक बार नोटिस देकर भी हाजिर नहीं होने पर न्याय दंडाधिकारी ने महापौर भाजपा नेता प्रवीण दटके, संजय बंगाले समेत 20 भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। इसके कारण शहर की राजनीति में एक बार फिर खलबली मच गई है। इसी मामले में इससे पहले 2016 में भी इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। हालांकि कोर्ट ने सुभाष अपराजित, ममता भोयर और एक को जिसकी मृत्यु हो चुकी है राहत दी है। मामला 2005 का है जब महसी टाउन हॉल में स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव थे। इस समय मनपा में कांग्रेस की सत्ता थी और वर्तमान में विधायक विकास ठाकरे इस दौरान महापौर थे। चुनाव में कई पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इससे कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच मामला गर्मा गया। विवाद इतना बड़ा कि सभागृह में दोनों ही पार्टियों के नगर सेवक एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐसे में चुनाव स्थगित करना पड़ा। सभागृह के बाहर भी नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं में जोरदार मारपीट हुई। मामला शांत होने के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इनमें अनेक नगर सेवकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। हालांकि सभी को तुरंत ही जमानत भी मिल गई, लेकिन कोर्ट में मामला जारी रहा। इसके बाद 2016 में तत्कालीन महापौर प्रवीण दटके समेत 22 लोगों के खिलाफ तारीख पर नहीं जाने के कारण नोटिस जारी किया गया था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।